हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई का, बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और बेटा चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। बेटा तो आज हम इसके इंट्रो की बात करेंगे। इन बेटा पॉइंट से, इन जो आपके पॉइंट लिखे गए हैं इनको आपको अच्छे समझाएंगे और इन पॉइंट से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान देना बेटा, एक मैं बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक थ्योरम होती है ना, जैसे किसी बुक में वो थ्योरम दी गई है और किसी बुक में उस थ्योरम क्वेश्चन के रूप में यूज कर लिया गया है। तो हर एक क्वेश्चन आपके थ्योरम होती है और हर एक थ्योरम आपका क्वेश्चन होता है। तो मैं इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरम्स होंगी ना, उनको क्वेश्चंस के टाइप से कराऊंगा और मैं बोल दूंगा कि बेटा ये आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम भी आपकी सकती है और क्वेश्चन के टाइप में भी आपका आ सकता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हम बेटा पहले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ये तो मार्कर गया, मार्कर तो गया शायद, शायद में भी दिक्कत हुई मार्कर में, मार्कर में लीकेज यहाँ पर आ गई है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं सर जी एंगल क्या होता है ना। पहला पॉइंट हमारा एंगल हो जाएगा। तो भाई देखो मैं समझाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, बुक्स में चीजें यहाँ पर लिखाई गई हैं। लाइंस मैंने अपना ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में मैंने बेटा क्या किया था, लाइंस के बारे में यहाँ बताया था। तो ध्यान देना क्या होते हैं, जब टू स्ट्रेट लाइंस ठीक है आपस में कट करते हैं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको यहाँ पर भी मिलता है, ये लाइन आपकी हो जाएगी। इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, इसको अगर हम लोग बोल दें ए बी, बोल दें एल, बोल दें इसको लाइन एल, ये क्या हो जाएगा, इसको लाइन हम लोग यहाँ पर एम बोल सकते हैं। तो दोनों ये पी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान देना बेटा जो ये जो होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा और ये भी बेटा आपका एंगल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द फॉर्म ऑफ एंगल क्या जाएगा, तब आपका एंगल का यहाँ फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो जैसे लाइन आपकी होती है ठीक है, दो लाइन कट करेंगे आपका एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं भाई, परिभाषा इसकी डेफिनेशन ऐसे भी सकती है कि व्हेन टू लाइन हैविंग सेम वर्टेक्स, भाई क्या हो जाएगा, जब दो लाइन का सेम वर्टेक्स हो देन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, भाई डिस्टेंस बिटवीन जो क्या हो जाएगी, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी उसे भी हम एंगल बोलते हैं। तो सबका अपना अलग अलग तरीका यहाँ पर होता है। अब बेटा बात करते हैं अगर एंगल है तो एंगल को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मुझे लिखना है 15-15 एंगल लिखना है, तो भाई देखो एंगल को हमेशा डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। तो डिग्री का साइन आपका ऐसे हो जाएगा, आपको 15 डिग्री आपको ऐसे यहाँ पर पढ़ना रहेगा। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 25 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 25 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, 25 के ऊपर ये छोटा सा जीरो यहाँ पर लगा देंगे, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री, हम क्या करते हैं एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं। आपको एंगल समझ में आ गया, एंगल क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट हम डिग्री में यहाँ पर करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, भाई क्या होता है। देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। भाई देखो आपको समझ में यहाँ आना चाहिए, बाकी आपसे कभी भी एंगल की डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है। आपको एंगल का भाई क्या एंगल होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसी बात बस इतनी सी बात यहाँ पर है। तो क्या होता है एंगल, क्या होता है when two lines having same vertex, और क्या हम बोल सकते हैं कि when two line intersect each other then the formation of angle, वही हो जाएगा। और एंगल का मेजरमेंट किसमें आपका होता है, डिग्री में होता है, एंगल को हम डिग्री में मापते हैं। अब देखो बात करते हैं इंटीरियर, ये भैया मार्कर तो गया, ये मार्कर गया हाथ में भी लग गया, चलो दूसरा मार्कर यहाँ से हम लोग निकालते हैं। भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर थोड़ा सा हैंड को क्लीन करते हैं, सब इंक लग गई है भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बेटा हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। भाई क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं हमने एंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे ही, ये बेटा आपका एंगल हो जाएगा ठीक, ये आपका एंगल यहाँ पर ऐसे, आपका एंगल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखो इधर बेटा अगर ये आपका एंगल है, भाई ये आपका अगर एंगल है
देखो एंगल बेटा कैसे, ये आपका अगर आपका एंगल यहाँ ए हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, एंगल ए। भाई देखो ये हमने एंगल लिया है ठीक, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये बेटा पार्ट आपका बीच में रहेगा, इसको ए बी सी लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, एंगल सी बी ए लिख सकते हो। भाई इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एंगल ए बी सी, या इसको में से पढ़ेंगे एंगल सी बी ए, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान देना भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। भाई देखो जैसे हमने पॉइंट यहाँ ले लिया है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये पॉइंट पी है, तो भाई इस पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, कि ये पॉइंट एंगल के इंटीरियर पार्ट में पॉइंट स्थित है। तो भाई देखो इधर, यहाँ देखो इधर, जो ये जो आपका पोर्शन होगा ना, ये पोर्शन जिसको हम यहाँ पर शेड कर रहे हैं पूरा पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एंगल आपका हो जाएगा। ध्यान देना ये तो बाहर का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर का पोर्शन में डॉट जिसमें कर रहा हूं, डॉट इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ये आपका हो जाएगा। और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपका हो जाएगा इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एन एंगल बेटा ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ एन एंगल आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखो इधर, अब हम बात करते हैं सर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है। बेटा इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, आपकी बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, आप बोलोगे सर जी ये बताइए पहले कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं। भाई देखो जैसे कि मान लो कि पहले कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, पहले ये देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज आपस में इक्वल होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपका ट्रेंगल है, ये आपका दो ट्रेंगल है, अगर दोनों ट्रेंगल को एक के ऊपर एक रखा जाए, जैसे कि मान लो ये मेरा हैंड है, अगर आप अपने हाथ को इसके ऊपर रखते हैं तो क्या आपको पीछे वाला हैंड आपको नहीं दिखाई देगा ना, तो क्या बोलेंगे कि जो दोनों मेरे बेटा हैंड है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इनका शेप इनका साइज दोनों आपस में इक्वल होने में क्या बोलते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, जब दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए गए हों, जैसे कि मान लेते बेटा है कि ये एंगल आपका दिया गया है, ये आपका ए बी सी हो जाएगा, ये बेटा 60 डिग्री आपको यहाँ दे रखा हो, और ऐसे एंगल आपको यहाँ दिया गया हो, ये पी क्यू आर आपका हो, बेटा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो। देखो तो दोनों आपस में इक्वल है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलेंगे। ध्यान देना इसको हम ट्रेस पेपर से इसको हम यहाँ पर करते हैं, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल पोर्शन है वो अगर आप में होगा तो आगे बताया जाएगा, फिर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम सेम साइज, सेम साइज एंड सेम शेप, भाई ये कॉन्वेंसी की क्वालिटी यहाँ पर आपकी होती है। अभी आप में एक चैप्टर है कॉन्वेंट ऑफ ट्रायंगल, वो भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको आपको आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, ये दो आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की, बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। अच्छा टाइप्स ऑफ एंगल की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। वही बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेंगे। भाई देखो टाइप्स ऑफ एंगल थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, पहले हम टाइप्स ऑफ हम एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, फिर हम लोग एच एंगल बात करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ एंगल की यहाँ बात पर आएंगे। भाई बेसिकली टाइप्स ऑफ एंगल बाद में लास्ट में बताने वाला यहाँ पर होता है, बट आपको आपको कॉन्वेंसी कॉन्वेंट एंगल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर जी ये एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर क्या होता है। भाई देखो एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, जैसे हमने कोई ट्रेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, जैसे हमने मान लेते हैं यहाँ पर कोई ट्रेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, भाई ट्रेंगल आपका ये आपका ट्रायंगल ए बी सी आपका हो जाए, ए बी सी हो जाए, और ध्यान देना तो ये एंगल बी आपका हो जाएगा। ध्यान देना एक लाइन बी से ऐसे खींचो कि इन दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए,
ये मान ले, हमने मान लेते हैं हमने ई लाइन यहां पर ड्रॉ करी, तो हम क्या बोलेंगे बीई इज अ, क्या हो जाएगा बीई इज अ एंगल बाई, क्या हो जाएगा बीई इज अ एंगल बाई सेक्टर, क्या हो जाएगा बेटा ये आपका एंगल बाई सेक्टर यहां पर आपका आ जाएगा। मतलब क्या होता है किन्हीं भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल जो होगा ना इनके यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो बी को क्या बोलते हैं, बी को हम बोलेंगे एंगल बाई सेक्टर, इसे समद्विभाजक बोलते हैं हिंदी में, इसको समद्विभाजक बोलते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, बी हम लोग इसे ऐसे पढ़ेंगे बी इज अ एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, अब क्या हो जाएगा बी एंगल ए बी सी का एंगल बाई सेक्टर यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर क्या होते हैं। भाई आपको एंगल बाई सेक्टर बेटा आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा, किन्हीं भी किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बीच से डिवाइड करना उसे क्या बोलते हैं, हम एंगल बाई सेक्टर यहाँ पर बोलते हैं। इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं अपने हैं हमसे, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड क्या हो जाएगा ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल। भाई देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे आपका ये एंगल ए लिखा है प्लस ये एंगल आपका बी लिखा है, जब दो किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ध्यान दो जैसे कि अब एंगल ए और एंगल बी का सम अगर 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे ए बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां पर होंगे। जैसे क्या हो जाए एक बेटा एंगल आपका 20 डिग्री आ जाए और एक आपका 70 डिग्री एंगल आपका यहां पे आ जाए, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू आपकी 70 दे रखी है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर बोलेंगे। अब बेटा बात करते हैं सर जी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो बेटा इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर ऐसे दो एंगल जैसे एंगल सी प्लस एंगल डी, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जब दोनों एंगल का सम इतना आपका हो जाए 180 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाए। तो क्या हो जाएगा एक एंगल मान लेते हैं आपका 150 डिग्री है, दूसरा कितना आपका आ जाए, दूसरा आपका 30 डिग्री यहाँ पर आ जाए, तो हम दोनों एंगल क्या बोलेंगे, इन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ बोल क्या बोलने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर हम लोग बोलने वाले हैं। भाई क्या हो जाएगा ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर दो एंगल को टिक कर लेते हैं। अब बेटा बात करते हैं सर जी एडजेसेंट एंगल क्या होता है, भाई किधर किधर क्या होता है, हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ बेटा यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो इधर एडजेसेंट एंगल की बात यहाँ पर कर लेते हैं, एडजेसेंट एंगल भाई देखो ऐसे दो एंगल जैसे आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका एंगल ए बी सी है, ए बी सी हो जाए और एक एंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया जाए ये आपका डी हो जाए। तो भाई देखो ये दो एंगल हैं, इसको एंगल वन मान लो, इसको एंगल टू मान लो। भाई देखो एंगल वन और एंगल टू का बेटा वर्टेक्स आपका सेम पर देखो इधर है, दोनों एंगल सेम जगह बी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल। अब आप बोलोगे सर जी एंगल बाई सेक्टर इसमें अंतर क्या हो जाएगा, तो भाई देखो एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो सकते हैं इक्वल हो या इक्वल ना हो इसकी हम लोग यहाँ पर गारंटी नहीं लेते हैं। भाई क्या पता आपका ये वाला एंगल टू आपका ऐसे यहाँ लिखा हुआ ऐसे किया गया हो, ऐसे हुई तो आपका एंगल टू आपका सी यहाँ पे ऐसे हो सकता है, तो क्या हो जाएगा एंगल वन एंगल टू आपस में इक्वल यहाँ पर नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जब दो एंगल when two angle having same vertex B, क्या हो जाएगा देखो दोनों एंगल का वर्टेक्स आपका भी यहाँ दे रखा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पर बोलेंगे। भाई एंगल वन एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल आपका हो जाएगा। ध्यान देना बेटा एंगल वन एंगल टू आपस में इक्वल यहाँ पर कंडीशन नहीं होती, इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एंगल बाई सेक्टर में दोनों एंगल आपस में इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे। बट आपको ये वाला एंगल समझ में यहाँ पर आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं अपने हम किसकी बात करते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल की यहाँ बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एंगल की जब बात करोगे भाई, एंगल कितने टाइप के आपके यहाँ पे होते हैं देखो इधर, तो अपने हम बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं भाई। देखो इधर मेरी बात सुनो, एंगल का फॉर्मेशन आपके हमेशा टू लाइन के बीच में आपका एंगल का फॉर्मेशन आपका होता है, जब व्हेन टू लाइंस आपस में, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर होता है। अब ध्यान देना बेटा इधर, ठीक। अब मेरी बात सुनो, जब थीटा की वैल्यू, भाई थीटा को हम लोग ऐसे यहाँ करते हैं कि आपका यहाँ पर थीटा जाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो जाए, ठीक, और 0 डिग्री से बड़ी हो जाए। ध्यान देना इसे कैसे पढ़ेंगे, अभी से याद डाल लो, क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 90। भाई जब थीटा की कंडीशन ऐसे कभी भी आए तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे, उसे हम एक्यूट एंगल क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे कि बेटा ये आपका एंगल है, ये थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बेटा क्या क्या आ जाएगी, नाम दे देते एंगल ए बी सी आपका हो जाएगा। अभी ध्यान दो यहां समझो, ठीक, तो थीटा कितना आपका आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी है बट 90 डिग्री से छोटी है। आपको सर जी 90 डिग्री क्या होती है ये बताइए आप, जब दो लाइन, जैसे जैसे कि बेटा अपने आसपास देखो, जो आपके घर की दीवार होगी, दीवार और जो फ्लोर, जो आपके फर्श होगी, उस पे जो एंगल बनाती है उसे हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जब एक लाइन, एक आपकी लाइन ड्रॉ करी गई हो पैरेलल ऐसे, और जब एक लाइन इस पर आती है तो क्या हो जाए, जब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाती है, ये एंगल हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम 90 डिग्री यहाँ पर बोलते हैं, एंगल क्या बोलते हैं इसे हम राइट एंगल यहाँ पर बोलते हैं। जब थीटा का मान कितना बेटा आपका हो जाए, 90 डिग्री पूरा आपका यहाँ पर हो जाए। जैसे कि आपके घर की दीवार, भाई दीवार फर्श पे जिस एंगल पे फॉर्म होती है भाई, किसी घर की दीवार टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक, वही आ जाएगा 90 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। भाई स्क्वायर आपने देखा होगा, स्क्वायर का जो ईच एंगल कितना होता है, आपका 90 डिग्री का एंगल आपका बेटा यहाँ पर आपका होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके 90 डिग्री के एग्जाम्पल यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब देखो इधर, तो एक्यूट एंगल की परिभाषा क्या होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे कि थीटा की वैल्यू क्या आपकी हो सकती है भाई, आप इतना तो पता हो गया होगा सर जी, थीटा की वैल्यू 1 से लेकर के, भाई थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक आपकी वैल्यू यहाँ पर आपकी ये हो सकती है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। कहीं भी आपसे बोले कि बेटा एक्यूट एंगल कौन सा है, जैसे आपको कहीं लिखा जाए कि 63 का एक्यूट एंगल है, कह दो हाँ है, क्यों है भाई, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो 90 से छोटी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सर जी राइट एंगल क्या होता है, भाई देखो इधर, राइट एंगल मैंने अभी आपको यहाँ पर बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग लिख लोगे, ध्यान देना बेटा राइट एंगल क्या होता है, हम राइट एंगल की यहाँ बात करने वाले हैं। तो राइट एंगल क्या हो जाएगा, देखो इधर राइट एंगल क्या होता है, देखो इधर, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आपकी यहाँ पर हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जैसे कि एंगल कुछ इस प्रकार से, एंगल आपका यहाँ पर ऐसे एंगल बनाया जाए, ये आपका ए बी सी हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री यहाँ पर आज की आ जाएगी। ध्यान देना राइट एंगल को हमेशा इस एंगल से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ऐसे आपका हो जाएगा, इसका साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो राइट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑब्ड्यूज एंगल की, यहाँ बात करते हैं ऑब्ड्यूज एंगल क्या होता है, इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब ऑब्ड्यूज एंगल की बात करते हैं, ऑब्ड्यूज एंगल की हम लोग यहाँ बात करते हैं, ऑब्ड्यूज एंगल की बात करते हैं, इसको देखो एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं, राइट एंगल को सम कोण बोलते हैं, ऑब्ड्यूज एंगल को अधिक कोण बोलते हैं, हिंदी वाले अधिक कोण यहाँ पर बोलते हैं। भाई क्या हो जाएगा, अब ऑब्ड्यूज एंगल में क्या हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री से तो बड़ी हो जाए बट 180 डिग्री से हमेशा क्या वैल्यू उसकी हमेशा छोटी रहेगी,
ये कंडीशन क्या होती है भाई, देखो ये मैं आपको मैथमेटिकल वे में लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन तो आप लोग खुद से ही बना लोगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्वियस एंगल बोलते हैं। जैसे कि इसको क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जो एंगल आपका होता, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी हो जाएगी। इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर है, पहले एंगल नाम देंगे एंगल का हम, एंगल आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 90 डिग्री से वैल्यू बड़ी हो जाएगी और 180 से वैल्यू आपकी यहाँ पर छोटी आ जाएगी। तो क्या हो जाएंगे, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 से छोटी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑब्ड्यूस एंगल बोलते हैं। अब स्ट्रेट एंगल की यहाँ बात करेंगे हम लोग बेटा, ये चीजें यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपकी हैं, इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो बेटा। हम बात करते हैं, हम स्ट्रेट एंगल की यहाँ बात करने वाले हैं। स्ट्रेट एंगल यहाँ पर क्या होता है, देखो बेटा इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, हम स्ट्रेट एंगल की यहाँ बात करेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल भाई आपको थोड़ा सा लाइन से ही मिल गया होगा, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ रखी होगी, तो स्ट्रेट एंगल थोड़ा सा उससे आपको आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा। बट अब स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं भाई, देखो पहला क्या था, एक्यूट एंगल, ठीक, फिर आपका हो जाएगा राइट एंगल, फिर आपको ऑब्ड्यूस एंगल, चौथा आपका स्ट्रेट एंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा कि जब थीटा की वैल्यू पूरी पूरी 180 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये लाइन आपकी ड्रॉ करी गई हो, ये आपका एंगल हो जाए ए बी, ये आपका सी हो जाए, बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट एंगल, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम 180 डिग्री यहाँ पर बोलेंगे। ध्यान देना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बोलते हैं, जब एक सीधी रेखा बिल्कुल एंगल पूरा पूरा बन जाए और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बोलते हैं। बेटा ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि सर जी ये बताइए कि इसके आगे भी कोई एंगल होता है क्या, हमने कहा हाँ बेटा होता जरूर है, बिल्कुल आपका एंगल होता है। अब ध्यान देना, अब हम बात करते हैं सर जी रिफ्लेक्सिव एंगल भी तो आपका होता है, उसकी बात कर लेते हैं भाई। देखो सर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल ये क्या होता है भाई, अब ये एंगल क्या होता है, जब बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू 360 से छोटी रहे। भाई ध्यान देना, इससे क्या होता है, ये आपका एंगल देखो बेटा, ये आपका होता है 0 डिग्री, ठीक, ये आपका होता है 90 डिग्री भाई, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तब, ठीक, ये आपका 90 मिनट कर देता जाएगा, ये आपका 180 आ जाएगा, ये आपका 270 आ जाएगा, ठीक बेटा। एक पूरा जब राउंड कंप्लीट करते हो, इतना आपका 360 डिग्री पूरा चक्कर यहाँ पर लगाता है भाई, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, सबको ऐड करोगे तो एक जब पूरा राउंड मूव करोगे इतना पड़ जाएगा 360 डिग्री, आपका पूरा एक चक्कर, एक पूरा कंप्लीट साइकिल आपका 360 डिग्री आपका यहाँ पर होता है। अभी हम बेटा इनकी बीच की यहाँ बात करने वाले हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे। क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री 360 डिग्री से कम हो जाए और क्या हो जाए 180 डिग्री से क्या हो जाए यहाँ पर आपकी बड़ी हो जाती है, इसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल यहाँ पर बोलते हैं। भाई एंगल कैसे बनेगा, एंगल कुछ आपका इस प्रकार से ऐसे एंगल बनेगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये एंगल बनेगा आपका एंगल, ये ए बी सी, ये बेटा एंगल बनेगा, तो ये बेटा थीटा आपका एंगल होगा और थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री से वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी और 180 डिग्री से वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये बेटा ऐसे एंगल कुछ प्रकार से आपका एंगल ऐसे एंगल बनेगा। अब बात करते हैं सर जी कंप्लीट एंगल भी होता है क्या, हाँ बेटा होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखो इधर इसको हम बेटा यहाँ से रफ करते हैं। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई, कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जैसे आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, ठीक, पहले आपका एंगल एक्यूट एंगल था, जैसे आपका ये एक्यूट एंगल हुआ, फिर राइट एंगल हुआ, फिर ऑब्ड्यूस एंगल हुआ, फिर रिफ्लेक्सिव एंगल हुआ, तो बेटा एक पूरा साइकिल भी तो पूरा चक्कर भी तो पूरा पूरा लगा सकता है। तो क्या हो जाएगा, जब एक लाइन दूसरे पर यहाँ पर आपकी आ जाए भाई, क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए, ये आपका बी, ये आपका सी। भाई देखो सी पहले यहाँ था, फिर सी यहाँ आया, फिर सी यहाँ आया, फिर सी यहाँ आया, सी इसके ऊपर पूरा पूरा ऊपर आ गया है। ध्यान देना, तो बेटा एक पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा चक्कर लगाया गया है। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कंप्लीट एंगल, या जब थीटा की वैल्यू जब 360 डिग्री आपकी हो जाए,
उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कंप्लीट एंगल यहां पर बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पर आपका, हो जाएगा ये कंप्लीट एंगल, यहां पर इसे हम बोलते हैं पूर्ण कोण। इसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री आपके यहां पर हो जाए। जैसे कि भाई देखो मेरी बात सुनो, देखो फिर देखो, ये आपका एंगल ए बी सी, इसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं ना, ये आपका एक्यूट एंगल आ जाएगा। ऐसे करोगे क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका 90 डिग्री राइट एंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा जब ऐसे बढ़ाओगे तो इसे हम ऑब्ड्यूस एंगल बोलते हैं, जब थोड़ा सीधा जाएगा इसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जब लाइन थोड़ी से ऐसे जाएगी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। भाई ये लाइन सी ए पर भी तो आ सकती है, जब ए पर आएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से कंडीशन ऐसे बनेगी आपकी, इसे बोलते हैं ए, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन पूरा एक चक्कर लगा पूरी आ गई हो ए पर, पूरी पूरी आ गई है। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरा एंगल मूव कर किया गया है ना, तो थीटा कितना आपका आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री बेटा पूरी आपके यहाँ पर, पूरी पूरी वैल्यू 360 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अब ध्यान देना ठीक, इसे हम कंप्लीट एंगल यहाँ पर बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जीरो एंगल क्या होता है, भाई जीरो एंगल भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए आपके लिए जरूरी यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान दे बेटा, हम जीरो एंगल की यहाँ बात करेंगे। जीरो एंगल क्या होता है, देखो इधर जीरो एंगल क्या होता है भाई, क्या होता है, जैसे आपने जैसे जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल की फिगर बिल्कुल सेम बनता है, बट देखने का तरीका अपना अपना अलग होता है। भाई ये फिर से आपका यहाँ पर आ जाए, ये आपका ए हो जाए, ये आपका बी हो जाए, ये आपका सी आ जाए। भाई जब आपका एंगल बनना शुरू हुआ, जब एक लाइन पर दूसरी लाइन आपकी एजिस पूरी पूरी कर जाए, तो ये वाला एंगल जैसे क्या हो जाएगा, भाई देखो इधर, ये आपका एक्यूट एंगल यहाँ पर था, जीरो एंगल की बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है भाई देखो, अरे यार मार्कर गिर गया, सॉरी ब्रो। अब देखो क्या जाएगा, देखो इधर ये ए बी सी क्या हो जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ध्यान दो, जब ये पूरा पूरा इसको सी मान लो, अभी सी ही मान है, सी मान कर करेंगे, ये आपका ए आ जाएगा, ये आपका सी आ जाएगा। तो ध्यान दो, ये सी डाउन होके जाएगा, डाउन होके जाए, और ये सी पूरा पूरा ए पर आ जाए, ए पर आ जाएगा, तो इस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी। तो बेटा यहाँ एंगल तो कितना बनेगा, ये एंगल पूरा आपका जीरो बनेगा, तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो डिग्री आपकी पूरी यहाँ पर हो जाएगी। एक्यूट एंगल को बिल्कुल से जीरो पे मिला दो बिल्कुल से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो डिग्री एंगल आपका बन जाएगा। जब थीटा की वैल्यू होती है जीरो डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो एंगल यहाँ पर बोलते हैं। बेटा एंगल सारे आपको, टाइप्स ऑफ एंगल आपको यहाँ पर सारे समझ में आ गए होंगे। हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर है। बेटा इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं, आपको जीरो एंगल आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। अब देखो बेटा इधर लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात क्या करेंगे, इधर देखो इधर, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, कोई हम स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, भाई एक जो सीधी रेखा पर जितने एंगल बने होते हैं, भाई लीनियर मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ सी मान लें आपका हो जाएगा, इस पर एक एंगल आपका ऐसे बन जाएगा, एक लाइन ड्रॉ करी गई, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई है, ये लाइन से ड्रॉ करेगी, ये लाइन से ड्रॉ हो जाएगा, तो ये ए, ये आपका बी हो जाएगा, सी डी डी ई, ये आपका एफ हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, इसको अगर हम एंगल वन मान लें, इनको एंगल टू मान लेते, इसको एंगल वन मान लो, ये आपका एंगल थ्री हो जाएगा, ये आपका एंगल फोर हो जाएगा, तो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, इसको एंगल फाइव मान लो, ये आपका एंगल फाइव हो जाएगा। इसकी सब पूरे सम कितना आ जाएगा, ये बेटा पूरा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, आपको लीनियर पेयर एंगल पर हो जाएंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, जब एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पर बोलते हैं। इनका सबका सम कितना आपका होता है, 180 डिग्री आपका होता है। भाई जब ये पूरा स्ट्रेट लाइन पूरी है तो इनका पूरे का सम आपका 180 हो जाएगा। तो एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव भी तो इसका सम यहाँ पर हो जाएंगे। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव का सम आपका 180 डिग्री यहाँ पर आपका ये
हो जाएगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपको समझ में यहाँ पर आगे होंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। बेटा यहाँ पे हम देखेंगे इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो इधर क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई देखो वन साइड वीडियो है तो खुराफात कम हो पाती है, अभी लाइव क्लास होगी तो खुराफात करी जाएगी। वर्टिकली अपोजिट बेटा एंगल की बात करते हैं, ये क्या होता है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई जो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो भाई क्या हो जाएगा, एक एंगल ये होता है एक एंगल ये होता है, तो एंगल वन एंड एंगल टू क्या हो जाएगा, एंगल वन एंड एंगल टू आपस में इक्वल होते, पहली बात तो इक्वल होते हैं ठीक, और इन्हें ही क्या बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो एंगल वन एंगल टू आपका हो जाएगा, जैसे ये एंगल थ्री ले लो, ये आपका एंगल फोर आ जाएगा, तो एंगल थ्री एंड एंगल फोर इक्वल एंड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में यहाँ पर आ गया, सिंपल चीजें आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन में इनका यहाँ पर यूज होगा। भाई बात करते हैं अभी इसका डेरिवेशन भी है, भाई देखो इसका जो थ्योरम जो है ना इसको हम क्वेश्चन के रूप में कराएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन या टू पैरेलल लाइंस की बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना इधर, इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारा आज का लास्ट पॉइंट जो है, ये सारे आपके पॉइंट हो चुके हैं, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, एंगल्स मेड बाई आर ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर लिखते हैं आप हेडिंग, हो जाएगा एंगल्स मेड बाई अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। भाई इससे भी क्वेश्चन, इसमें भी आपको एंगल अच्छे मिलेंगे, ये भी आपको अच्छा समझने वाला पूरा टॉपिक पूरा आपका है। अब ध्यान दे बेटा सीन कुछ इस प्रकार का आपका होता है। देखो आप हम सीधे बात करेंगे टू पैरेलल लाइन्स, लिख लो पैरेलल लाइन्स यहाँ पैरेलल करो ठीक। भाई आपका सीधे अपने कॉन्सेप्ट की बात यहाँ करेंगे, भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर जब टू लाइन्स आपस में हो पैरेलल ठीक, ये लाइन एल हो जाएगी, ये लाइन आपकी एम हो जाएगी, जब कोई थर्ड लाइन दोनों को कट करती है, ये मान लेते हैं पी लाइन कट करती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन पी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और कंडीशन क्या है, एल पैरेलल एम के अगर ये बेटा यहाँ पर है, ध्यान देना अब कुछ यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। भाई देखो इधर इस वाले एंगल को बेटा अगर एंगल वन मानोगे तो ये वाला एंगल इनके बराबर होता है, तो एंगल वन बराबर एंगल टू आपका होता है, और तो एंगल वन बराबर एंगल टू होता है, इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे क्या बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल यहाँ पर बोलते हैं। ध्यान क्या हो जाएगा बेटा, ये जो अगर बेटा आपका ये वाला एंगल फोर मान लो, इसको एंगल क्या मान लो, इसको एंगल थ्री मान लो, क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल थ्री हो जाएगा। भाई ऐसे क्या हो जाएगा, एंगल थ्री आपका एंगल फोर के इक्वल आ जाएगा, इन्हें भी क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको साइड में नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज है। भाई क्या हो जाएगा फिर इसकी बात क्या हो जाएगा, भाई देखो अब मेरी बात सुनो, अब सीन क्या होता है कि एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फोर का सम आपका 180 डिग्री आपका होता है ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बोलेंगे। वैसे क्या हो जाएगा बेटा, एंगल थ्री प्लस एंगल टू का सम कितना आपका हो जाएगा, ये भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। भाई क्रमागत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं क्रमागत अंता कोण बोलते हैं। भाई तो क्या हो जाएगा, भाई एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, एंगल थ्री आपका एंगल फोर इक्वल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटरनेट एंगल हो जाएगा, बेटा क्या हो जाएगा एंगल वन आपका एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, ठीक सॉरी एंगल वन प्लस एंगल फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, और एंगल थ्री प्लस एंगल टू की वैल्यू आपकी 180 हो जाएगी। इन एंगल्स को बोलते क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत अंता कोण इनको बोलते हैं। अब ध्यान देना बेटा, जो आपका एंगल फोर होगा वो क्या हो जाएगा एंगल फाइव के इक्वल हो जाएगा, ध्यान देना एंगल फोर इक्वल एंगल फाइव, इसे क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं भाई, इसे क्रमागत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्रमागत इसको कोण यहां बोलेंगे, एंगल फोर आपका एंगल फाइव इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे ही तो क्या हो जाएगा एंगल टू बेटा जो आपका होगा वो आपका एंगल सिक्स के इक्वल हो जाएगा, इसे भी क्या बोलेंगे, इसे भी करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, क्रमागत कोण यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल टू आपका एंगल सिक्स इक्वल हो जाएगा और एंगल फोर आपका एंगल फाइव इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा थोड़ा दिमाग लगाओ, एंगल फोर आपका एंगल थ्री के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको हो जाएगा, फिर एंगल थ्री आपका एंगल फाइव के इक्वल हो जाएगा, अभी मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके हो जाएंगे, तो एंगल फोर आपका एंगल फाइव के यहाँ पर इक्वल आपका ये हो जाएगा, और एंगल टू आपका एंगल सिक्स के इक्वल आपका यहाँ पर होने वाला है। अब देखो इधर, अगर मैं आपसे कहूं कि जो एंगल फाइव है वो एंगल सेवन के इक्वल होगा, मतलब एंगल फाइव इक्वल एंगल सेवन के होगा, ठीक, एंड क्या हो जाएगा जो एंगल सिक्स है वो आपके एंगल एट के इक्वल होगा, एंगल एट के इक्वल होगा भाई, एंगल सिक्स आपका इक्वल एंगल एट के हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं भाई, देखो ये देखो इधर इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम इंटीरियर अल्टरनेट, इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे, इसे क्या बोलेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, तो इन दोनों क्या बोलोगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। कैसे बोलोगे बेटा, यहां देखो एंगल सिक्स आपका एंगल वन के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, नाम क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल सिक्स आपका एंगल वन के इक्वल हो जाएगा, एंगल वन बेटा आपका एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, और एंगल टू आपका एंगल एट के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे एंगल सिक्स आपका एंगल एट के इक्वल हो जाएगा, और सेम ऐसे क्या हो जाएगा एंगल फाइव बेटा एंगल थ्री के आपका इक्वल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा, एंगल थ्री आपका एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा एंगल फोर आपका एंगल सेवन इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा, तो एंगल फाइव एंगल सेवन के आपके इक्वल हो जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पर बोलते हैं। बेटा इतना देखो, अभी इसको आप याद मत करो, सिर्फ समझ लो इसको, क्वेश्चंस जब लगाएंगे ना इतनी बार रिवाइज होगा कि आप लोग खुद जान जाओगे कैसे यहाँ पर चीजें क्या होती, क्या इनका नाम यहाँ पर होता है। दोस्तों ये लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक आपका वीडियो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैंने पूरा बना दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस प्लस थ्योरम वाले क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर आएंगे और आपको प्रॉपर समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। बेटा अगले वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस की और कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और आपको समझ में अच्छा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।